एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत शान से रहा करता था। उसी जंगल में मच्छरों का एक झुंड रहता था। उन मच्छरों में बहुत एकता थी। वो हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, उसमें से एक मच्छर कहीं दूर निकल गया। और वो भटकते भटकते शेर के स्थान पर पहुंच गया। उस मच्छर को भूख लगी। तभी मच्छर ने देखा कि शेर सो रहा है। उसने सोचा, मौका अच्छा है, चलो चलकर शेर का खून चूसते हैं। मच्छर ने शेर का खून पीना शुरू कर दिया। शेर की नींद खुल गई और वो मच्छर पर टूट पड़ा और बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे सारे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। इस पर मच्छर को भी बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहकर मच्छर वहां से चला गया और ये बात सभी मच्छरों को बताई। सभी मच्छर ये सुनकर आग बबूला हो गए और शेर को रास्ते पर लाने की सोचा। सब मच्छर शेर के पास गए और शेर से बोले, तुम्हें माफी मांगनी होगी। इस पर शेर को और गुस्सा आया और बोला, मैं तुम सबको मसल दूंगा, तुम इतने छोटे तो हो। मच्छरों ने शेर को सबक सिखाने की सोची और इस तरह सभी मच्छरों ने शेर पर हमला बोल दिया। शेर भी बहुत बहादुरी के साथ उछल उछल कर उनका मुकाबला करता रहा। जब मच्छरों ने शेर को मिलकर काटा तो शेर के शरीर से खून निकलने लगा और वो बहुत थक गया अकेले लड़ते लड़ते। शेर कुछ मच्छरों को ही मारने में कामयाब हो पाया था, लेकिन मच्छरों ने शेर को बुरी तरह काट लिया। शेर जब घायल हो गया तो उसने मच्छरों से माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं गलती नहीं करूंगा। इस पर मच्छरों को एहसास हुआ कि शेर ने अपनी गलती मान ली है। सभी मच्छरों ने शेर को माफ कर दिया और वहां से चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं।